दोस्तों गलतियां ढूंढने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आप में अच्छाइयां ढूंढने वाला अगर कोई है तो उसको अपने साथ जरूर बना के रखिए। नमस्कार प्रणाम, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी टीम के साथ आरा नामक के चैनल पे फिर से एक ऐसे बुद्धिजीवी एक ऐसे युवा का स्वागत करने वाला हूँ। आप हम लोग के साथ मिलकर जरूर स्वागत कीजिएगा। ही इज नन अदर देन वेरी टैलेंटेड वेरी चार्मिंग वेरी स्मार्ट डॉक्टर शशि शेखर सिंह। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं चैनल पे। सर स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरा नामा के सारे दर्शक को मेरे तरफ से बहुत आभार। आप लोगों ने इस चैनल को देखने के लिए अगर युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे आपका आरा नामा के टीम के तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने युवाओं के बीच आकर के और समाज की आम समस्या को लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। जी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत कहाँ से किया आपने, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, दर्शक जानना चाहे। हमने सबसे पहले गांव से जब शहर के तरफ आए तो हमारी पढ़ाई सबसे पहले जैन स्कूल से शुरू हुआ। जी जी। और जैन स्कूल से ही हमारी प्रारंभिक पढ़ाई चालू हुई और पढ़ाई के बाद जब हमने कॉलेज लाइफ में आया जी, तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी सी भिन्नता थी। माता पिता को चाहा था कि थोड़ा हाई एजुकेशन हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तो हमने इंजीनियरिंग करने के लिए पटियाला में थापर यूनिवर्सिटी अच्छा, चला अच्छा, गया अच्छा, ओके। और वहां से आने वहां हम गया तो उस माहौल में हम सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वहां लैंग्वेज की हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वहां आमतौर पे या तो इंग्लिश मुख्य रूप से लैंग्वेज था, नहीं तो वहां की लोकल पंजाबी लैंग्वेज थी। जी जी। और दोनों से हमें कठिनाई हो रही थी, तो हमने कोशिश किया कि जो भाषा हम समझ ही नहीं पाएंगे तो उसको हम लोगों के बीच क्या उसकी हम जानकारी दे पाएंगे। जी जी। तो हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहां से ड्रॉप करके हमने यहीं से ग्रेजुएशन किया बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से, यहीं से बीएड किया, एलएलबी किए और कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी से हमने एमए इन एजुकेशन किया। अरे वाह। और उसके बाद हम यहाँ से पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है 2023। जी, तो इसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहिए कि इन्होंने पीएचडी कर लिया है। सर ये बताइए कि अभी जो छात्रों के बीच में आपका कैसे प्रवेश हुआ, कैसे, मतलब जो अभी हाँ। नवामी गंगे के संयोजक बने हुए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो कैसे कैसे इसमें आए? इसका कारण बहुत गहराई से है। हमने जैसे ही कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरी समाप्त हुई जी। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई समाप्त हो गई और हमें समझ में भी नहीं आया कि कॉलेज लाइफ से बहुत कम जुड़ पाए थे हम जी। क्योंकि पढ़ना हम मुख्य रूप से कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं था, तो हमने घर पर और ट्यूशन लेकर पढ़ना अच्छा समझा। लेकिन जैसे हमने बीएड करना चालू किया यहाँ से, तो बीएड में हम प्रत्येक दिन यहाँ क्लास चलती थी, हम आते थे यूनिवर्सिटी से किया यूनिवर्सिटी से ही बीएड किए। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत प्रकार की समस्या आ रही थी, टाइम से एग्जाम नहीं हो रहा था, परीक्षा फल तीन तीन माह बाद चार चार माह बाद प्रकाशित हो रहा था एग्जाम को, तो इसको लेकर के हमने लगातार कार्यालय की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर जाना प्रारंभ किया। तो कंट्रोलर के रूम में बहुत सारे अनर्गर लोग बैठे रहते हैं, इधर उधर की बात करेंगे, एजुकेशन से कोई बात नहीं हो रही थी जी जी। इसी बीच हम अपना बात रख रहे थे तो उस दिन की घटना थोड़ा विचित्र था जी। कुछ वहाँ ठेकेदार टाइप के और दलाल टाइप के लोग, माने तो यूनिवर्सिटी में तो इनका लगा तो ऐसे लोग उसमें बैठे हुए थे और हम अपनी बात रख रहे थे, तब तक कंट्रोलर साहब अचानक भड़क गए और भड़क गए, बोले कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, कि मैं तुम जब कहोगे जब रिजल्ट दूंगा। इस बीच में हमने अपनी बात रखने की कोशिश की तो दलाल लोग हमको शांत कराने की कोशिश किए दबदबा के बल पे। अच्छा। तो वहाँ बैठे दो चार छात्र यूनियन के लोग बैठे थे, हमें जानकारी नहीं थी किस संगठन के हैं। उन लोगों ने जो असामाजिक तत्व थे उनको रोकने का काम किया कि जब छात्र बात कर रहे हैं कंट्रोलर से, अपनी समस्या रख रहे हैं, तो आप लोग बीच में क्यों इसको रोक रहे हैं। सही बात। तो हमको उन लोग से बाद में परिचय हुआ, वो लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने बताया कि आपकी मांग अच्छी थी, आप कभी कार्यालय पे आइए, अपनी बात हम लोग को भी बताइए, हम लोग संगठन के थ्रू आपकी बात को रखेंगे जी। धीरे धीरे कार्यालय पे जाना हुआ और 2000 में भाजपा कार्यालय नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यालय पे जाना चालू हुआ और वहां से हमने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया 2011 में। अच्छा।
और मेरी लाइफ विद्यार्थी परिषद में पूर्ण रूप से चली। मैंने कॉलेज की मैंने सह मंत्री से लेकर के प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक का दायित्व का निर्वहन किया। 2019 में हम देखे कि अब मेरा पीएचडी अंतिम कगार पे है, तो हमने अपने विद्यार्थी परिषद के सीनियर कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मेरी पीएचडी की पढ़ाई समाप्त होने जा रही है जी, तो मैं विद्यार्थी ही नहीं रहूंगा, तो विद्यार्थी परिषद में रहने का अधिकार नहीं है। तो हमने उस समय से विद्यार्थी परिषद से बाहर निकला। तो नमामि गंगे के संयोजक कब बने? हाँ, नमामि गंगे का संयोजक हमने इस वर्ष बना। अच्छा, और इससे पहले इतना तो बड़ा महत्वपूर्ण पद आपको अचानक से या किसी कारण से मिला? नहीं नहीं, वो मेहनत के बल पे अगर कुछ देखे होंगे लोग तभी बुला के हमको बनाया गया था जी जी। और हम इससे पहले बढ़ारा के एनवाई भी रह चुके थे, नेहरू युवा केंद्र एक भारत सरकार का संगठन है, उसका सेवक थे 2 साल तक। और उसके बाद हमने युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे और अच्छा। बक्सर और कैमूर के जिला प्रभारी थे। तो ये भी तो आरएसएस का एक सिस्टम कंसर्न है ना? हाँ, सिस्टम सब ये विद्यार्थी परिषद भाजपा सब आरएसएस के ही एक तरह से विंग है। तो राजनीतिक तौर पे बीजेपी अपना रहता है और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद रहता है। और हमने आरएसएस का भी प्रशिक्षण किया 19 में ही, प्राथमिक अच्छा। वर्ष का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है आरएसएस की जी जी। हमने 2019 में कर लिया और करने तो इसी वजह से देख रहे हैं इनमें कूट कूट की देशभक्ति भरी हुई है और बहुत सारी चीजें अभी इनसे जानेंगे। तो नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है सर? ये नमामि गंगे भारत सरकार में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी हमारे बीच पर्यावरण को लेकर के जी। और पर्यावरण में हाल ये था कि अपनी आधुनिक सुविधा को पाने के लिए हम लोग नदी को और पर्यावरण को इतना गंदे करते जा रहे हैं कि यमुना नाले के रूप में बह रही थी, गंगा का पानी सर्वे के अनुसार हरिद्वार से लेकर के और हुगली तक पीने योग्य नहीं था। माने बहुत सारी गंगा पूर्ण रूप से दूषित हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फैसला किया कि हम लोग गंगा को सबसे पहले पवित्र करेंगे और शुद्ध करेंगे। और आज आपके सामने देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी हो या कोई अन्य पार्टी के बनारस घूमने आते हैं तो उसी गंगा के जल को अर्पित करते हैं और पीकर के अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं। सर, एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि नमामि गंगे का जो चल रहा है, बीइंग ए लीडर नहीं पूछूंगा, चाहे आप भाजपा के जुड़े हुए से नहीं पूछूंगा, एक साधारण नागरिक के तौर पे ये बताएं कि क्या सही में नमामि गंगा से गंगा साफ हो रही है या एक ये प्रयोजन है सिर्फ? देखिए, कोई भी चीज करने के लिए जिस प्रकार से शहर का आधुनिकरण हुआ, फैक्ट्रियां लगी और सारे का पानी डायरेक्ट नाले के थ्रू हम लोग नदी में ले जाके प्रवाहित कर रहे थे, इससे गंगा पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई थी। इसकी कई उदाहरण है, लेकिन मैं गंगा नवामि का संयोजक हूँ इस नाते भी नहीं, मैं आपको आम नागरिक के नाते बता रहा हूँ। हमने बढ़हरा का जब एनवाई भी था उस समय भी मेरे फेसबुक अकाउंट या अदर अकाउंट से आप देख सकते हैं कि कई कार्यकर्ता, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता भोजपुर और बक्सर में गंगा आरती के नाम पे हमेशा महीना में 2 महीना पे साफ सफाई गंगा घाटों का हमेशा करते थे। बहुत लोग पूजा करने जाते हैं और अपने घर के सारे कूड़े कचड़े ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, वहां पन्नी फेंक देते हैं, इससे गंगा बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई। इस पर बताइए, हमारे यहाँ भोजपुर में कब गंगा आरती हो रही है, कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? गंगा आरती लगातार होते आ रही है। गंगा नवामि भारत सरकार का एक मंत्रालय जो नमामि गंगे का है वो यहाँ काम करता है, उसका जिला में कोऑर्डिनेटर भी है, हम हमेशा उन लोग से संपर्क में रहते हैं और गंगा नवामि में हमेशा आरती होते रहती है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आप आज हमसे आज ही पूछे और अभी तुरंत 2 घंटे बाद 4 बजे 4:30 में आरती का कार्यक्रम है गंगा नवामि घाट। बहुत खूब, तो जो भी देखेंगे अगर देख लेते हैं वीडियो खैर तो कल देखने को मिलेगा। सर ये बताइए कि ये गंगा नवामि गंगे जो है इससे हम लोग जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हर इंसान की जो कि सनातन को फॉलो करता है या हिंदुस्तान में जो रहने वाला है, एक गंगा का अलग से उसका दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को या ये जो आरती जो आप लोग कर रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं हो रही? आरा के लोग या भोजपुर के लोग और लोग पूरी तरह से जागरूक, इनको कैसे किया जाएगा उस आरती में पार्टिसिपेट करें? हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि गंगा के किनारे पे बसे गाँव के जितने लोग हैं उस समाज से स्टूडेंट, बुद्धिजीवी और कुछ महिलाओं को अच्छा। जरूर हम लोग आरती में बुलाते हैं
और जनप्रतिनिधि को तो जरूर बुलाते हैं, विशेष रूप से रिक्वेस्ट करके, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म की हो, चाहे वो किसी पार्टी की हो जी, हम लोग हमेशा बुलाते हैं। और आरती के नाम पे हम लोग जब गंगा आरती करते हैं तो उसमें हम लोग एक संकल्प भी लेते हैं गंगा की साफ सफाई की, और वैसा कार्यक्रम हम लोग जिला लेवल पे भी किए हैं। आगे हम यहाँ जिला अधिकारी से और जो गंगा नवामी के सचिव है और जल संसाधन सेक्रेटरियट में हम बात करके हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे रीजन में शाहपुर से लेकर के और बबुरा घाट तक जहाँ तक गंगा भोजपुर जिला में बहती है यहाँ गंगा की विशेष साफ सफाई हो। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर सर के माध्यम से संयोजक अगर होता है तो हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा का जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। शायद यही गंगा को इस एरिया में प्रचलित तो है ही, मतलब उनको वो प्रतिष्ठा मिल सके। ये सर क्या लगता है आपको, क्या ये इस डिस्ट्रिक्ट में संभव है, हो पाएगा? हम लोग लगातार इसका प्रयास किए हैं प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन लगातार अभी प्रशासन में मैं खास तौर पे यहाँ के भोजपुर के DDC का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हमेशा माने 2-4-5 दिन पे, 5 या 10 दिन पे ये अपने परिवार के साथ भी घूमने गंगा जरूर जाते हैं। अच्छा। और इनका विशेष लगाव है, और खास तौर पे हम धन्यवाद करेंगे आरा के सांसद महोदय आर के सिंह जी का। और ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका है कि आरके सिंह ने गंगा पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ एक्सेप्ट हो जाता है भोजपुर जिला में तो इस उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग महुली मौजमपुर के पीछे से और इधर सिन्हा घाट तक एक बहुत अच्छे घाट बनाने जा रहे हैं। मेरिन ड्राइव आरा में भी देख सकते हैं क्या? मेरिन ड्राइव से अच्छी घाट आपको देखने को मिलेगा आरा में, ये मेरा वादा है। और लगभग अंतिम कगार पे ये चल रहा है। अच्छा। तो ये बनारस के तौर पे हम लोग घाट को यहाँ डेवलप करेंगे। अच्छा। और यहाँ अच्छे अच्छे मंदिर की व्यवस्था होगी, पूजा पाठ हर तरह की यहाँ फैसिलिटी। और बता दें जो कलकत्ता से लेकर के बनारस तक जो गंगा के रास्ते हम लोग बोट की जो अभी चल रही है मरीन ड्राइव के थ्रू, तो उसका एक स्टैंड महुली घाट पे। चलिए बहुत खूब, आपका मुंह में घिस सक करके जल्दी से जल्दी हो भोजपुर वासियों को शुभ दिन देखने को मिला। तो देखिए दर्शकों, आप जरूर इस बात का गवाह बनिएगा, इनके साथ इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जल्दी से जल्दी मौका मिलने वाला है तो उसका इंतजार करेंगे। सर ये बताइए कि आगे का आपका क्या? आगे मेरा एक प्लान है कि हमने अभी ठंड बहुत ज्यादा है और हमारे गंगा नवामी टीम में मुख्य रूप से हर ब्लॉक पे अपना टीम होती है, हर मंडल में मेरा टीम होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो हम लोग ब्लॉक नहीं मानते, हम लोग मंडल मानते हैं। जैसे बड़हरा मंडल, बड़हरा में 5 बड़हरा ब्लॉक में 5 मंडल है, तो हम लोग हर मंडल में अपनी कमेटी का हम विस्तार करने वाले हैं। और कमेटी विस्तार के लिए हम सबसे पहले बिनगावा से लेकर के शाहपुर तक गंगा की कम से कम जो गंगा से सटे जितने गांव हैं वहां हम खुद दौरा करेंगे और हर गांव में जाएंगे, युवाओं से मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मैं भोजपुर जिला के हर मंडल में जाऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत इधर से करूंगा क्योंकि गंगा के किनार से शुरुआत करूंगा, जिसकी एक समाज में और भोजपुर से भारत तक मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि युवा आज भी गांव के अंतिम तबके के लोग तक जाकर के भारत को जागृत करने में और मातृभूमि को मजबूत करने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में हम लोग विवेकानंद के तर्ज पे गांव-गांव जाके युवाओं को सबको जोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? 5 साल बाद हमको नहीं देखना है, आज तक तो हमको समाज ही देखते आया है जहां अच्छा लगा। कहीं आपने कुछ सोचा होगा ना कि 5 साल बाद मुझे ऐसे जगह पे होना चाहिए? 5 साल बाद मैं बता रहा हूँ, हम पारिवारिक जिम्मेवारियां है, समाज की जिम्मेवारियां है और इस देश की जिम्मेवारियां। सर थोड़ा सा परिवार के बारे में थोड़ा सा भी बता दीजिए। हाँ, परिवार में मेरे पिताजी एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद शिक्षक थे और शिक्षक से भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और घर पे अभी रहते हैं। माताजी हाउसवाइफ है जी। एक बहन है तो ग्रेजुएशन करने के बाद अभी BPSC की अपना तैयारी करती है। भाई पोस्ट ग्रेजुएट करके बिजनेस में लगे हुए हैं। तो परिवार सर एक बात और बता दीजिए दर्शकों के लिए, आप शादी कब करने वाले? शादी कर चुके हैं और मेरी एक बच्ची पा रहे हैं, मेरी एक बच्ची भी है। तो मैडम का जरूर नाम होना चाहिए। ये बताइए सर कि आगे जो हम अभी नेक्स्ट एपिसोड में चलने वाले हैं तो वहाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, रैपिड फायर खेलेंगे। उसका नियम मैं बता देता हूँ कि आपसे 5 क्वेश्चन रहेगा आरा नामा की तरफ से।
आरा नामा आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगी, जिससे कि आपको तुरंत उसका आंसर देना है, वेट नहीं करना है, ठीक है सर? तो उसके लिए रेडी है आप? हाँ। तो चलिए दर्शकों, हम लोग इनके साथ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खेलते हैं। तो इनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आरा नामा की तरफ से ये है कि आप अपने आप को एक अच्छी बात अपने बारे में कहना हो, एक शब्द में, एक सेंटेंस में, तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मातृभूमि का सेवा करने का मौका मिला, सभी को करना चाहिए। चलिए बहुत खूब, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन सर, प्यार को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या सोचते हैं? प्यार हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, और सबसे पहला प्यार माँ से चालू होता है, माँ, परिवार, इस माँ में हमारी जिस मिट्टी पे बैठे हैं, धरती माँ, और धरती माँ से जन्म देने वाली माँ, और फिर इसी प्रकार ये दुनिया। जी बहुत खूब, बहुत शानदार, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनके जवाब को सुन के। तीसरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते, मतलब भाजपा में ना होते, तो आप अभी शिक्षा जगत में होते या कोई और आपने आपके अंदर विचार चल रहा होता? मैं मुख्य रूप से मैं पॉलिटिक्स में विद्यार्थी परिषद से जब आया, उस समय से ही मैं पढ़ने पढ़ाने के लिए ही आया। आज भी मेरा काम पढ़ना पढ़ाना ही है। मैं जितने दिन रिसर्च किया, उस दौरान महाराजा कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का काम किया, और छात्रों के बीच, समाज के बीच, आज समाज के बीच भी हम जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं, तभी हमको अच्छा लगता है, और उनसे उनके बारे में जानते हैं तभी अच्छा लगता है। जी बहुत खूब। सर अगला क्वेश्चन है कि अगर एक हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सोचने वाली बात है, कि अगर आपको मौका मिलता है लाइफ में किसी एक आदमी को स्लैप करने का या थप्पड़ मारने का, वो किस व्यक्ति को मारना चाहेंगे अपनी जिंदगी में? अभी तक कोई ऐसा है जिसके साथ, नाम नहीं बताना है, बस आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है जिसको मैं अभी अगर मौका मिले तो। इंसान को सबसे सुबह पहले खुद को थप्पड़ मारना चाहिए और अपनी बीती हुई गलतियों को सुधारने का मौका। देखिए, पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे दिया इन्होंने, बच के निकल गए। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए बहुत तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ आना पड़ता है। अगला क्वेश्चन सर है कि अगर आप इस देश में जन्म न लिए होते, तो आपको कौन सा देश अभी ऐसा लगता कि मैं वहां होता? अगर भारत, मैं तो यही बोलूंगा कि आने वाले कई जन्मों तक हमें भारत में ही जन्म हो। नहीं, ऑप्शन है आपके पास। भारत में जन्म नहीं होता तो मैं नेपाल में जन्म लेना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र। अच्छा, तो देखिए इनकी जवाब और वाक्पटुता से आप बहुत प्रभावित होंगे, कहीं भी मेरे क्वेश्चन में फंसे नहीं। मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इनका जवाब उस तरफ ले जाओ जो इन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। सर युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, खास तौर पे युवाओं साथियों से मेरा हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन है कि जिस प्रकार इस देश में आज वामपंथ विचारधारा, ईसाई मिशनरियां जिस प्रकार हमारे समाज में काम कर रही है और देश को एक अंधेरे में ढकेलने का काम किया जा रहा है, आप बिल्कुल, मैं जिस पार्टी से हूँ, आप पार्टी से जुड़िए या ना जुड़िए अलग की मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रहित में, समाज हित में, आपके पास अगर कोई व्यक्ति लाचार हो, बीमार हो, उसका बेहिचक मदद करिए। और खास तौर पे अभी भारत के युवाओं को, भारत एक युवा देश है, और भारत के युवाओं को कमजोर करने के लिए, इस ताकत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें नशा की तरफ युवाओं को जबरदस्त धकेल रहा है। इससे बचने की जरूरत है, और कुछ विचारधारा इस पे काम कर रही है कि भारत के युवा अपने स्वार्थ में फंस करके कोई भी गलत कदम उठा ले, और हमारे बीच से ही युवा आज गलत चीज में संलिप्त है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU में नारा लगती है, इंसा देश तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह। तो ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है। राष्ट्रभक्ति हर इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। सबसे पहले ये देश है उस देश का, और हम हिंदू हैं, तो इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप तमाम युवाओं से एक आग्रह है कि आप सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर सामने आइए। जय हिंद, जय भारत, सर, जय युवा। सर एक और क्वेश्चन है, माननीय राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा है? हंसी आती है ऐसे युवा का जिनका नाम लिए आप। ठीक है, राहुल गांधी जी से भी मेरा एक आग्रह है कि देश में एक विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, आप भी कुछ अपने ताकत लगाइए और विपक्ष को मजबूत करिए। और हंसी का कभी कल देखे कि खिचड़ी बना रहे थे, कभी देखते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे हम क्या तुलना कर सकते हैं।
कुछ उनको युवाओं के बीच जा करके, युवाओं से ताकत मजबूती करके, युवाओं के बीच आकर के अपने पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मेरे तरफ एक लास्ट आरा नामा की टीम आपसे आरा नामा जानना चाह रहा है, 2024 कितने लेके आ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, हम लोग एकदम एकदम जनता के बीच में है। हाँ, तो हम लोग अंदाजन आप कुछ देखिए, हम लोग की तैयारी पूरी है और हम लोग पूर्ण रूप से लग चुके हैं अपने 2024 चुनाव को लेकर के। चुनाव आप तो देख रहे हैं जिस प्रकार अदर स्टेट में चुनाव हो रही है, विपक्ष का पत्ता ही साफ है। अब देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम मजदूर का फैक्ट्री रखे हैं, मजदूर ले जाइए, हंसी आती है ऐसे युवाओं पे, खुद को युवा नेता कहते हैं। और देखिए बिहार में ही चिराग पासवान है, हमेशा युवाओं के शिक्षा के लेकर के कई तरह की बात करते हैं, मेरे पार्टी के नहीं है, लेकिन एक युवा को कम से कम युवा वर्ग, अब तो ये तेजस्वी जी से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जब माता पिता मुख्यमंत्री थे तब तो मैट्रिक पास नहीं हो पाए, तो ऐसे युवा ऐसा ही दलील देंगे, फैक्ट्री ही लगाएंगे मजदूरों का। राहुल गांधी के इंडिया टीम में भी है, तो आलू का फैक्ट्री लगाते हैं सोना बनाने का, ये मजदूरा का फैक्ट्री लगाए हैं देश भरने का। भावी प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप, भाजपा कहें तो ऑब्वियसली आप मोदी जी को बोलेंगे, मोदी जी को क्यों बोलेंगे? मोदी जी आपको देखना चाहिए, आज विश्व पटल पे भारत अगर मजबूत हुआ है, आज के पेपर में हमने देखा कि चाइना माना है कि मोदी जी के आने से भारत की ताकत बढ़ी है, जब चाइना और अमेरिका जैसे देश मोदी जी के पीछे चलने के लिए तैयार है, तो हमें बेशक भारत की मजबूती के लिए मोदी जी को बनाना चाहिए। मोदी जी ही हमारी, मोदी जी तो पूरा देश संभाल रहे हैं, सब खुश है इसलिए उनको जिता रहे हैं। और मोदी जी के बाद भी मेरे पास हजारों विकल्प है, यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को, मध्य प्रदेश का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आपने कमेंट को इनके पास जरूर जाना चाहिए, जो जो बातें ये बोल रहे हैं तो उसके अनुसार इनको जवाब देना होगा। और आप सभी से एक अपील भी है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए 2024 में अपना बहुमूल्य वोट अपने मत से एक शिक्षित सुयोग्य और समृद्ध उम्मीदवार को। तो दर्शकों इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, अपना समय दिया उन्होंने। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, आरा नामा की टीम की तरफ से, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, धन्यवाद, जय।